गुड मॉर्निंग, यह हमारी बीएससी पार्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पिछली टर्म में हमने सीखा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, कि नाइट्रो ग्रुप और नाइट्राइट दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए ध्यान से, वापस देखो इस पॉइंट को, हमेशा याद रखना है, क्योंकि दोनों NO2 होते हैं, लेकिन अगर इस टाइप से लिखा है ओ एन डबल बॉन्ड हो तो ये नाइट्राइट फंक्शनल ग्रुप है, और इस टाइप से लिखा है तो ये कौन सा नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी बात कर रहे होते हैं? नाइट्रो ग्रुप की बात कर रहे होते हैं। ओके, तो नाइट्रो कंपाउंड्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो सकते हैं। फिर हमने देखा वेरियस मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। एलिफैटिक नाइट्रो कंपाउंड्स बनाने के बाद उनकी रिएक्शंस के बारे में हमने पढ़ा, और आज हम शुरू करेंगे एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स का मतलब हो गया, सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल होगी एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स की, दैट विल बी नाइट्रो बेंजीन। यानी बेंजीन रिंग में हमने एक ग्रुप लगा दिया, कौन सा? नाइट्रो ग्रुप। तो कंपाउंड कौन सा बन गया? नाइट्रो बेंजीन। क्या नाम होगा इसका? नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो एक और अगर ग्रुप लगाएं तो क्या लगा सकते हैं? ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। सिमिलरली दिस कंपाउंड विल बी सिमेट्रिकल ट्राई नाइट्रो बेंजीन, राइट। तो नाइट्रो बेंजीन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है कि नाइट्रेशन। तो पहला पॉइंट हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, कि व्हाट इज नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है? देखो कि रिंग में से हमने एक हाइड्रोजन हटाया, और एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया? नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन बोलते हैं। नाइट्रेशन के लिए जो रिएजेंट यूज़ करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? नाइट्रेटिंग रिएजेंट्स। नाइट्रेटिंग रिएजेंट्स, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन करने के लिए प्रोसेस क्या होगा? बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन हमने कराई नाइट्रेटिंग रिएजेंट से। जो भी नाइट्रेटिंग रिएजेंट होगा वो हमें क्या देगा? वो देगा नाइट्रोनियम आयन देगा। तो नाइट्रोनियम आयन क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो इसलिए रिएक्शन कौन सी होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, और इसके अंदर रिंग का एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाता है? नाइट्रो ग्रुप से, और ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन बनाने का यही मेथड है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि नाइट्रेटिंग रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं और कैसे वो नाइट्रोनियम आयन हमें देते हैं। नॉर्मली जो नाइट्रेटिंग रिएजेंट होता है वो होता है कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर। लेकिन किसका नाइट्रेशन करना है हमें, उस पर डिपेंड करते हुए और भी नाइट्रेटिंग रिएजेंट हम काम में ले सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल दीजिए, नाइट्रेटिंग रिएजेंट्स। नाइट्रेटिंग रिएजेंट्स, तो नाइट्रेटिंग रिएजेंट सबसे नंबर वन जो नाइट्रेटिंग रिएजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर इसको कॉमनली बोला जाता है, और ये होता क्या है? मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेटेड HNO3 एंड कंसेंट्रेटेड H2SO4। सांद्र HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और सबसे कॉमनली यूज नाइट्रो ग्रुप के लिए जो रिएजेंट यूज़ करते हैं वो ही होता है। अब आप देखिए कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर कैसे काम करता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर हमें कैसे काम से मतलब है कि नाइट्रोनियम आयन कैसे बनाता है, ये मैं आपको बनाता हूँ। इसका मैकेनिज्म देखो, इसमें होता क्या है वास्तव में, देखिए कि HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम मिलाते हैं इसे क्या बनता है? नाइट्रोनियम आयन प्लस
हाइड्रोनियम आयन प्लस बाइसल्फेट आयन, ये चीज जो बन गई हमारे पास नाइट्रोनियम आयन। इसका नाम क्या होता है? नाइट्रोनियम आयन, जो कि नाइट्रेशन में हेल्पफुल होता है और नाइट्रेशन किल करता है। पहली बात तो ये देखना है कि इसके लिए एविडेंस क्या है हमारे पास कि इस प्रकार नाइट्रोनियम आयन बनता है। देखो, आपने अगर एक चीज़ पढ़ी है सोल्यूशन के चैप्टर में वांट ऑफ फैक्टर, तो उसमें हम देखते हैं कि अगर इस मिक्सचर का हम डेल्टा टीएफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैलकुलेट करते हैं, तो जितना आना चाहिए, एक्सपेक्टेड आना चाहिए, उससे फोर टाइम्स, चार गुना ज़्यादा आता है। क्या चीज़? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक अवनमन बोलते हैं हिंदी में, चार गुना ज़्यादा आता है, क्योंकि इसका जो वांट ऑफ फैक्टर इस मिक्सचर कितना होता है? चार, मतलब एग्जैक्ट थ्री पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन चार मान लो, क्योंकि एक दो और दो चार, इससे चार पार्टिकल्स बन रहे हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये डेल्टा टीएफ क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये एक एविडेंस है। अब देखो इससे कैसे बनता है, पूरा मैकेनिज्म आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इसका, जस्ट सी इट, एनओ2 और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से देखिए कैसे बनेगा ये चीज़। अब यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन पे जो एच है वो अपना क्या देता है इसको, और यहाँ क्या बन जाएगा? ऑक्सोनियम आयन, तो एच ओ, यहाँ पे एक एच आ गया, ये एनओ टू था, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस बाइसल्फेट आयन। अभी देखो ये प्लस चार्ज आने से क्या हुआ कि ये वाटर जो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहाँ से क्या बन जाएगा? वाटर प्लस नाइट्रोनियम आयन, वाटर प्लस नाइट्रोनियम आयन, और ये जो वाटर है, अलग से लिख देता हूँ, वाटर सल्फ्यूरिक एसिड से एक एच ले लेगा तो क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम आयन और HSO4-। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ध्यान से देखिए इसमें। देखो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, नाइट्रिक एसिड क्योंकि HSO4 सल्फ्यूरिक एसिड से क्या ले रहा है? एक प्रोटॉन ले रहा है, तो इन दिस रिएक्शन नाइट्रिक एसिड इज एक्टिंग एज ए बेस। नाइट्रिक एसिड कैसे एक्ट कर रहा है? बेस की तरह व्यवहार कर रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है, उससे नाइट्रोनियम आयन क्या बनते हैं, उसके लिए एविडेंस क्या है, ये सारी बातें आपको मैंने इस रिएक्शन में बताई आपको। लेकिन ये तो सबसे कॉमनली यूज नाइट्रेटिंग रिएजेंट है, जब भी हम नाइट्रेशन कर रहे होंगे सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करेंगे। जब भी रिएक्शन के ऊपर लिखा हुआ है कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, आप समझ जाओ नाइट्रेशन करना है और नाइट्रो ग्रुप लगाना है, ओके, नंबर दो। लेकिन इनके अलावा भी कुछ नाइट्रेटिंग रिएजेंट हो सकते हैं। इनके अलावा क्या हो सकता है? कभी कभी हम केवल कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। केवल किसको यूज़ कर सकते हैं? कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को। तो कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को जब रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं तो देखो नाइट्रोनियम आयन बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा ये देखिए ध्यान से। नाइट्रिक एसिड विल गिव यू नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। बिल्कुल वैसा ही है मैकेनिज्म इसका, पर इसके अंदर नाइट्रिक एसिड ने ही अपना ही प्रोटॉन ले लिया, बिल्कुल सेम मैकेनिज्म हो जाएगा ध्यान से देखेंगे तो, और उससे क्या बन जाएगा? नाइट्रोनियम आयन बन जाएगा, राइट। इसके अलावा जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर हम यूज़ कर सकते, नाइट्रेटिंग रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं वो कौन सा होता है? फ्यूमिंग एचएन होती है, फ्यूमिंग एफ लिखते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको सधूम नाइट्रिक एसिड, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या होता है कि कंसनट्रेटेड HNO3 में अगर NO2 डायरेक्ट डिजोल्व की हुई है, क्या डिजोल्व की हुई है? NO2 डिजोल्व की हुई है, तो वो क्या करता है, उसे हम बोलते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड भी नाइट्रेशन के लिए बहुत ही बढ़िया रिएजेंट है। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड में नाइट्रो NO2 का फंक्शन देखो क्या होता है कि जो वाटर बनता है नाइट्रेशन के बाद हमारे पास, तो उस नाइट्रो NO2 क्या करता है? वाटर को अब्जॉर्ब करके और किस में कन्वर्ट कर देता है? नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है? नाइट्रेशन बहुत ही बढ़िया होता है। नेक्स्ट, इसके अलावा भी नाइट्रेटिंग रिएजेंट हो सकते हैं। कभी कभी जो इस रिएजेंट का हम नाइट्रेशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो हम डाइल्यूट HNO3 से भी नाइट्रेशन कर सकते हैं।
किससे कर सकते हैं, डाइल्यूट HNO3। लेकिन ये ध्यान रखना, डाइल्यूट HNO3 से तभी कर सकेंगे जब हमारा रीजेंट जिसका हमें नाइट्रेशन करना है उसके अंदर बहुत एक्टिव ग्रुप जुड़े हुए हैं, लाइक OH, NH2, यानी फिनॉल का नाइट्रेशन हमें करना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। वास्तव में जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हम यूज़ कर रहे होते हैं नाइट्रिक एजेंट के रूप में, तो इससे पहले नाइट्रोसेशन होता है। क्या होता है? पहले नाइट्रोसेशन, और नाइट्रोसेशन के लिए कौन सा ग्रुप बनता है? नाइट्रोसोनियम आयन बनता है। देखो कैसे बनेगा, जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेंगे तो उसके अंदर कुछ कंटेंट हमारे पास नाइट्रस एसिड का होता है, और नाइट्रस एसिड HNO3 से बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर बकाया था मैकेनिज्म करके क्या बना लेगा इससे NO+ हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रेट आयन। तो ये जो चीज़ बन गई इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन। तो नाइट्रोसोनियम आयन क्या करेगा? पहले नाइट्रोसेशन करेगा और फिर नाइट्रोसो ग्रुप लगेगा। वास्तव में डायरेक्ट नाइट्रो ग्रुप नहीं लगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, मान लो हमें फिनॉल का करना है तो पहले हमारे पास क्या होगा, जब ये लेंगे डाइल्यूट HNO3 तो पहले इसका पैरा पोजिशन, ऑर्थोन पैरा डायरेक्टिंग है OH ग्रुप, तो पैरा पोजिशन पर कौन सा ग्रुप लग जाएगा? नाइट्रो, यानी नाइट्रोसोफिनॉल बना। और फिर नाइट्रिक एसिड क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है तो वो नाइट्रोसो ग्रुप का ऑक्सीडेशन कर देगा, किसके अंदर? नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीडेशन कर देगा, राइट। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कर सकते हैं नाइट्रेटिंग रिएजेंट के रूप में लूप, लेकिन हमारे पास ये जो ग्रुप है ये कैसा होना चाहिए? बहुत ज़्यादा, जैसे इसके अंदर OH ग्रुप जो लगा है हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तब हम इसको क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूँ नाइट्रेटिंग रिएजेंट के लिए, नेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। नाइट्रेटिंग रीजन के लिए हम एसिटाइल नाइट्रेट भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? एसिटाइल नाइट्रेट। देखो एसिटाइल नाइट्रेट यूज कर सकते हैं अगर कोई ग्रुप लगे, जैसे मान लो हमें बेंजीन के बजाय हमें टॉलुइन का नाइट्रेशन करना है, हमें किसका नाइट्रेशन करना है? टॉलुइन का नाइट्रेशन करना है, तो टॉलुइन के नाइट्रेशन करने के लिए हमने क्या यूज किया रीजन? एसिटाइल नाइट्रेट। एसिटाइल देखो CH3CO हो गया एसिटाइल नाइट्रेट, ONO2, इस ग्रुप को हम कौन से ग्रुप बोलेंगे? एसिटाइल नाइट्रेट। तो एसिटाइल नाइट्रेट जब यूज करेंगे हमारे पास तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ऑर्थो नाइट्रोटोलिन प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, नाइट्रो ग्रुप लग गया, प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास? एसिटिक एसिड। तो इस प्रकार हमने देखा कि नाइट्रेटिंग रीजेंट के रूप में हम क्या यूज कर सकते हैं। वापस सुने ध्यान से एक बार, सबसे जो इंपॉर्टेंट नाइट्रेटिंग रिएजेंट होता है वो होता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। उसके अलावा कौन से यूज कर सकते हैं? कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि व्हाट इज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या है, वो कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जिसके अंदर NO2 डायरेक्ट डिजोल्व किया हुआ हो। इसके अलावा अगर हमारे पास जिसका नाइट्रेशन करना है वो रीजन जो सब्सटेंस ऐसा है जिसके अंदर बहुत एक्टिव ग्रुप जुड़े हुए हैं जैसे फिनॉल एनिलीन, तो हम डाइल्यूट HNO3 से भी क्या कर सकते हैं? नाइट्रेशन कर सकते हैं। एसिटाइल नाइट्रेट को भी नाइट्रेटिंग रीजन के रूप में यूज किया जा सकता है। ओके नेक्स्ट अब हम देखते हैं, देखो इसके बाद नाइट्रेशन पढ़ा हमें, अब नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग नाइट्रेशन, यानी नाइट्रेशन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर वन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो नाइट्रेशन को इफेक्ट करता है वो कौन सा होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो नाइट्रेशन फास्ट हो जाएगा और ज्यादा नाइट्रो ग्रुप हमारे पास लग सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल लें, मान लो हम बेंजीन का नाइट्रेशन कर रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा बेंजीन, और बेंजीन का नाइट्रेशन करने के लिए हमने मिक्सचर लिया कंसेंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4 जो कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर है,
और टेम्परेचर हमने रखा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना रख रहे हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, मोनो नाइट्रो बेंजीन। नाइट्रो बेंजीन इज द प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। लेकिन इसी रिएक्शन में सेम नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया हमने, कंसेंट्रेटेड HNO3 एंड कंसेंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर, और टेम्परेचर लेकिन थोड़ा हाई कर दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। अब क्या होगा, जो नाइट्रो बेंजीन बना है उसका फर्दर नाइट्रेशन हो जाएगा, उसका फर्दर क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन हो जाएगा, जैसे नाइट्रो ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप की डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होती है पता होना चाहिए, मेटा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, एक और ग्रुप लग जाएगा जिसे हम बोलेंगे मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। तो क्या देख रहे हैं अपन, टेम्परेचर बढ़ाने से नाइट्रेशन जो है फर्दर हो जाता है और नाइट्रो ग्रुप लग सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना होगा कि टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है। आप अपन इसे ये सीखते हैं कि नाइट्रीकरण की अभिक्रिया जो है ताप बढ़ाने से और तेज हो जाती है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जनरली हम ये कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसको एक एग्जाम्पल से हमने क्लियर किया। नंबर दूसरा इफेक्ट लिखिए, नेचर ऑफ नाइट्रेटिंग रिएजेंट, यानी हम नाइट्रेशन में कौन सा नाइट्रिक कारक उपयोग में ले रहे हैं, कौन सा नाइट्रेटिंग रिएजेंट उपयोग अपने, मैंने अभी बताया आपको बहुत सारे नाइट्रेटिंग रिएजेंट हो सकते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन नाइट्रेटिंग रिएजेंट बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले, मान लो हमने बेंजीन का एग्जाम्पल लिया और बेंजीन का हम कंसेंट्रेटेड HNO3 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर रहे हैं, राइट, केवल कंसेंट्रेटेड, लेकिन कंसेंट्रेटेड HNO3 ले लिया, थोड़ा टेम्परेचर यहाँ बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम फ्यूमिंग मिक्सचर लेते तब तो हमारा 30 पे काम चल जाता, तो कंसेंट्रेटेड HNO3 लिया, टेम्परेचर ले लिया, तो नाइट्रेटिंग रिएजेंट थोड़ा वीक है किससे। और फिर हमने लिया नाइट्रेटिंग रिएजेंट कंसेंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसेंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर, और यहाँ भी टेम्परेचर हमने कितना ले लिया, 60 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया, राइट, टेम्परेचर सेम है लेकिन नाइट्रेटिंग रिएजेंट हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और इस केस में हमने लिया फ्यूमिंग HNO3 प्लस H2SO4, फ्यूमिंग HNO3 भी ले लिया और सल्फ्यूरिक एसिड भी ले लिया। अब नाइट्रेटिंग रिएजेंट चेंज करने से क्या होगा, कि जैसे भी वीक नाइट्रेटिंग रिएजेंट है कंसेंट्रेटेड नाइट्रेट, तो इससे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, केवल नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जब हमने ये ले लिया, टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा लिया है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, हम बनाना चाहते थे नाइट्रोबेंजीन लेकिन बन जाएगा मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन। लेकिन जब फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड ले लिया है, टेम्परेचर भी थोड़ा ज़्यादा ले लिया है और रिएजेंट चेंज कर दिया है, तो इस केस में क्या होगा, आप देखेंगे कि सिमेट्रिकल ट्राई नाइट्रो बेंजीन, TNB का मतलब होता है ट्राई नाइट्रो बेंजीन बन जाएगा, इसको 135 ट्राई नाइट्रो बेंजीन ही बोल सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट फैक्टर देखो, नंबर थर्ड, सब्सटेंस टू बी नाइट्रेट, यानी किसका नाइट्रेशन करना है, सब्सटेंस टू बी नाइट्रेटेड, किस पदार्थ का हम नाइट्रेशन करना चाहते हैं, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मान लो हमने फिनॉल लिया और एक लिया बेंजीन, दोनों का नाइट्रेशन कर रहे हैं हम, नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज कर रहे हैं, कंसेंट्रेटेड HNO3 एंड कंसेंट्रेटेड H2SO4, इसके तो क्या होगा, बेंजीन से तो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा, लेकिन ये ग्रुप इतना एक्टिवेटिंग है इसलिए अगर ये रेंज हमने ले लिया, इसकी ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसकी ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन सभी पे क्या लग जाएगा, नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। टू फोर सिक्स, तो क्या बन गया प्रोडक्ट, 2-4-6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, 2-4-6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, और 2-4-6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल जो है
इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ध्यान रखना आपको क्या बन जाएगा, पिक्रिक एसिड इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। तो फैक्टर्स में देखिए एक बार थोड़ा सा रिवाइजन कर लेते हैं। सब फैक्टर्स कौन से करेंगे, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में जनरल रूल क्या हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ नाइट्रेशन बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, नेचर ऑफ नाइट्रेटिंग रीजेंट, राइट। तो नाइट्रेटिंग रीजेंट लेंगे तो उसके अनुसार भी प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। सब्सटेंस टू बी नाइट्रेट, किस पदार्थ का हमें नाइट्रेशन करना है। अगर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो नाइट्रेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और अगर कोई ग्रुप नहीं लगाया तो केवल मोनोनाइट्रेशन हो जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है कि जैसे मान लो हम यहाँ नाइट्रोबेंजीन ले लें और उसका नाइट्रेशन करें, तो नाइट्रोबेंजीन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगाए, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगाए, तो उसका नाइट्रेशन थोड़ा और डिफिकल्टी से होगा। ओके, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। कीप डूइंग योर वर्क, थैंक यू वेरी मच।